देखिए प्रोटेक्शन होता क्या है, इसमें प्रोटेक्शन जो है दो तीन तरह का होता है, ठीक है सर। इसमें आपका शीट प्रोटेक्शन होता है, वर्कबुक प्रोटेक्शन होता है और फाइल प्रोटेक्शन होता है, ठीक है। सेल प्रोटेक्शन होता है, अलग अलग टाइप के होते हैं। मोस्टली लोग क्या करते हैं, प्रोटेक्ट शीट करते हैं ताकि इसमें कोई चेंजेस ना हो सके या पासवर्ड देके। बट बेसिकली काम कैसे करता है, पूरा स्ट्रक्चर क्या है, वो मैं आज आपको क्लियर करूंगा। जिस तरह से हम एक सेल को फॉर्मेट करते हैं, ठीक है, एक एक सेल को फॉर्मेट करते हैं, कहां से, यहां से फॉर्मेट सेल में जाके, तो यहाँ नंबर फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं, यहाँ अलाइनमेंट वगैरह, ग्राफ टेक्स्ट मर्ज वगैरह अप्लाई करते हैं, यहाँ से फॉन्ट अप्लाई करते हैं, बॉर्डर इधर से अप्लाई करते हैं और इसी कलर अप्लाई करते हैं, इसी तरह से प्रोटेक्शन भी अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, हर एक सेल लॉक्ड होती है, हर एक सेल बाय डिफॉल्ट लॉक्ड होती है, ठीक है जी। जो आप प्रोटेक्ट में करते हैं, जब इस पर राइट क्लिक करते हैं शीट के ऊपर और प्रोटेक्ट शीट में जाते हैं, तो एक शीट प्रोटेक्ट होती है जिस पे आप कर रहे होते हैं। इस पर कोई भी पासवर्ड दे सकते हैं, अपने पासवर्ड टाइप किया, ओके किया, रीटाइप करना पड़ता है पासवर्ड, ओके। तो अब इसमें मैं कोई भी एंट्री नहीं कर सकता, ये शीट प्रोटेक्ट हो जाती है। पर पूरी शीट नहीं प्रोटेक्ट होती, होता क्या है कि वो सेल प्रोटेक्ट होती हैं जिसमें जो कि लॉक्ड होती हैं वहां पे सिलेक्ट, तो बाय डिफॉल्ट तो सारी ही लॉक्ड होती हैं, ठीक है जी। बाय डिफॉल्ट सारी ही सेल लॉक्ड होती हैं। तो लेट सपोज कि मैं एक फॉर्म बना रहा हूँ, यहाँ पर मुझे नेम एंट्री करवाना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर एंट्री करवाना है, यहाँ पे मार्क्स एंट्री करवाना है। तो एक मैं फॉर्म बना रहा हूँ मान लीजिए, ठीक है जी, और मैं चाहता हूँ कि यूजर केवल इन येलो वाली सेल्स में एंट्री कर पाए और किसी में एंट्री ना कर पाए, ठीक है जी, इन सेल के अलावा और कहीं भी एंट्री ना हो। तो हम जानते हैं कि सारी सेल लॉक्ड है, पहले क्या करना पड़ेगा, यहां से हम सिलेक्ट करेंगे सारी सेल को, फॉर्मेट सेल का ऑप्शन में जाएंगे, प्रोटेक्शन में जाएंगे और यहां से लॉक हटा देंगे, ओके कर देंगे। अब मैंने क्या किया, सारी सेल अनलॉक कर दी, ठीक है जी। तो अगर मैं अब इसको प्रोटेक्ट करूं पासवर्ड देके या बगैर पासवर्ड के, तो मैं किसी में भी लिख सकता हूं, ठीक है जी, किसी में भी लिख सकता हूं। तो इसी तरह से मैं क्या करता हूं, मैं सबको फिर से डिफॉल्ट पोजीशन पर लॉक कर देता हूं। अब मैं किसी पे एंट्री नहीं कर सकता जब मैं प्रोटेक्ट करूं, तो मुझे क्या करना है, इन तीनों के लॉक खोलने, बाकी सब लॉक रखने। तो यहां पे मैंने क्लिक किया तीनों को, कंट्रोल करके मैं मल्टीपल वैल्यू सिलेक्ट कर सकता हूं, कैसे, इसको क्लिक किया, कंट्रोल दबाया, दूसरे को किया, तीसरे को, तो ये तीन सेल सिलेक्ट हो गए। इनका मैं चाहे तो अलग अलग कुछ भी सेटिंग कर सकता हूँ, हालांकि इनको फॉर्मेट भी एक साथ कर सकता, तो इसी तरह से मैंने इनको सिलेक्ट कर लिया कंट्रोल के बेस पे, और यहाँ से नंबर फॉर्मेटिंग में गया, फॉर्मेट सेल के ऑप्शन में और प्रोटेक्शन में गया, और यहाँ से लॉक हटा दिया, ठीक है जी। अब क्या है, बाकी सारी सेल लॉक्ड है, सिर्फ ये अनलॉक। तो इस केस में क्या होता है, जब मैं इसमें प्रोटेक्ट करता हूँ, पासवर्ड भी दे सकता हूँ चाहूँ तो, और ना चाहूँ तो नहीं देना, वैसे ही प्रोटेक्ट, तो मैं बाकी जगह लिखने की कोशिश करूंगा तो मुझे लिखने नहीं देगा, पर मैं खाली यहां पे लिख सकता हूं, ठीक है जी। तो यहां पे लिख सकता हूं। तो आप VBA के थ्रू जब सॉफ्टवेयर वगैरह कोई भी बनाने वाले हैं तो इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है जी, इसका यूज कर सकते हैं एंट्री सिस्टम को बचाने के लिए, ठीक है जी। तो अब तो ये रही कि मैं लॉक कैसे करूंगा सेल को और अनलॉक कैसे रखूंगा, अलग अलग यूसेज के दौरान मैं अनलॉक रख सकता हूँ। मान लीजिए मेरा ये है, एक
ये एरिया है, इसको पहले अनप्रोटेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि कोई भी चेंजेस आपका नहीं होता है प्रोटेक्ट में। तो मैं खाली इस एरिया में एंट्री करना चाहता हूँ, बाकी कहीं एंट्री ना कर पाऊँ। तो ये तो मैंने बता दिया, मैं कहता हूँ कि ये एरिया लॉक रहे, बाकी सब ओपन रहे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से पहले मैंने अनलॉक कर दिया, फिर इतना एरिया सिलेक्ट करके फॉर्मेट में गया और लॉक कर दिया। ठीक है जी, तो अब क्या है, केवल यही लॉक है। तो इसमें मैं प्रोटेक्ट शीट कर देता हूँ राइट क्लिक करके। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा तो नहीं लिखा जाएगा, पर बाहर में कुछ भी लिखा। तो अलग अलग तरह से अपने आप कस्टम तरीके से इसको लॉक कर सकते हैं। ठीक है जी, देन उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे आपको अलग अलग लॉकिंग मेथड इसमें पता पड़े प्रोटेक्ट। अब मेरे पास एक चीज है, मैं ये चाहता हूँ कि यूजर इसमें चेंज तो नहीं कर सकता। इस फॉर्म के केस में आते हैं, हम वापस से वैसा कर देते हैं, कंट्रोल वन करके पहले मैंने सारे लॉक कर दिए और इनको जाके अनलॉक कर दिया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये यूजर देख तो सकता ही है, प्रोटेक्ट करता हूँ शील्ड को। हाँ ठीक है, यहाँ कोई चेंज नहीं कर सकता, पर यहाँ अगर कोई मेरा इम्पोर्टेंट डाटा है तो कॉपी जरूर कर सकता है किसी और शीट पे। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि यूजर जो है मेरा डाटा कॉपी ना कर पाए। तो कॉपी रोकने के लिए एक्सेल में कोई जुगाड़ नहीं है, कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं कॉपी रोक दे। तो अभी जो मैंने आपको कैटेगरी दिखाई सेल्स की, उसमें एक सेल हमारी लॉक्ड हो गई और एक अनलॉक्ड हो गई। ठीक है जी, तो हम एक चीज कर सकते हैं, जब हम राइट क्लिक करके प्रोटेक्ट, यहां से प्रोटेक्ट शीट में जाएं, तो इसमें जो है यहां तो पासवर्ड देते हैं और यहां पे वो ऑप्शन होते हैं जो आप प्रोटेक्शन के दौरान करवाना चाहते हैं। जैसा मैंने बताया कि दो कैटेगरी हो गई, लॉक्ड सेल और अनलॉक्ड सेल। तो कॉपी करने के लिए पहले सेल को क्या करना पड़ता है, सिलेक्ट करना पड़ता है। तो अगर मैं सिलेक्ट लॉग सेल का ऑप्शन यहां से अनचेक कर दूं, तो वो क्या करेगा, उस पर कर्जर भी नहीं लेके जाएगा। मैं क्लिक कर रहा हूं पर ये कर्जर लेके ही नहीं जा रहा है। तो जब तक कर्जर लाएगा नहीं तो वो कॉपी कैसे करेगा। यहां तक कि इनमें लॉग से अनलॉग सेल में मेरा कर्जर जो है मूव हो रहा है, एंटर का बटन दबाओ तो इन्हीं में ही मूव होगा मेरा कर्जर। ठीक है जी, और जब सिलेक्शन नहीं लेगा तब तक तो कॉपी करेगा नहीं। तो ये मेथड को यूज कर सकते हैं, अनप्रोटेक्ट कर देता हूं अभी। ठीक है जी, तो इसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस हैं कि जो हम काम कराना चाहते हैं प्रोटेक्शन के दौरान, सच है कि हम फॉर्मेट सेल करवाना चाहते हैं, कॉलम फॉर्मेट करवाना चाहते हैं, रो फॉर्मेट करवाना चाहते हैं, कॉलम इंसर्ट करवाना चाहते हैं, तो उन ऑप्शंस को मैं टिक कर सकता हूं प्रोटेक्शन के दौरान कि यूजर ये काम कर पाए। ठीक है जी, क्योंकि अभी प्रोटेक्शन के दौरान जब आप प्रोटेक्ट कर देते हैं तो यूजर कुछ भी नहीं कर पाता है। यहां से देखिए इंसर्ट डिलीट के ऑप्शन गायब है, यहां से नंबर फॉर्मेटिंग का कुछ नहीं आ रहा है, या कोई भी ऑप्शन है ही नहीं ऐसा जिसमें आप चेंज कर सकें। ठीक है जी, बहुत सारी चीजें आप यूज नहीं कर सकते प्रोटेक्ट मोड में, अनप्रोटेक्ट कर देते हैं। ठीक है जी, अब ये तो रही फॉर्म बनाने की बात। इसके बाद मैंने यहां पे प्रिंसिपल के लिए कॉलम ले लिया। ठीक है, यह एक अलग एग्जांपल देख लेते हैं इसके लिए। मान लीजिए कि एक एम्प्लॉई है, उसको कुछ टास्क मिले, या उसने रिक्वेस्ट भेजी, कुछ रिक्वेस्ट भेजी जो इसका मैनेजर है वो इस पर रिमार्क्स देगा। इसने कुछ लिखा कि मेरा ये काम कर दो, मैनेजर करेगा अप्रूव या रिजेक्ट। ठीक है जी, अप्रूव या रिजेक्ट डालेगा, अपने कमेंट्स डालेगा।
तो मैं ये चाहता हूँ कि इसी शीट पे मुझे दोनों के कमेंट लेने हैं, एम्प्लॉय अपनी रिक्वेस्ट लिखेगा और मैनेजर अपने कमेंट देगा, ठीक है जी। पर मैं चाहता हूँ कि ये शीट जो है इलेक्ट्रॉनिकली मूव हो, मतलब मेल वगैरह के ऊपर सॉफ्ट कॉपी में यूज हो, और ये दोनों एक दूसरे के डेटा में एंटर ना कर पाए। मान लीजिए मैनेजर का कुछ पर्सनल काम है तो वो इससे रिक्वेस्ट यहाँ पे भी लिख सकता है, ये रिक्वेस्ट है, ये अपनी रिक्वेस्ट अप्रूव कर दे। और मान लीजिए अब एम्प्लॉय के पास से फॉरवर्ड हो रहा है तो एम्प्लॉय अपनी तरफ से रिक्वेस्ट डाल के मैनेजर में अप्रूव लिख दे। हमें कैसे पता पड़ेगा कि उन्होंने लिखा है कि नहीं लिखा, ठीक है जी। उनको रिस्ट्रिक्ट कैसे कर सकते हैं कि ये अपने एक दूसरे के डेटा में एंटर ना कर पाए। एम्प्लॉय अपना डेटा खुद से लिखे और मैनेजर अपना डेटा खुद से लिखे, ये दोनों एक दूसरे के काम में दखलंदाजी ना कर पाए एक ही शीट के अंदर। तो इसमें हम जो जाएंगे रिव्यू टैब में जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास प्रोटेक्शन के ऑप्शन है, प्रोटेक्ट शीट का ऑप्शन यहाँ पे भी आपके पास अवेलेबल, बट इसको छोड़ देंगे। हमारे पास है यहाँ अलाउ यूजर टू एडिट रेंज, इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ से न्यू करेंगे। हाँ जी, मेरी स्क्रीन रुक गई है, वो आगे चली नहीं रही है, वो व्यू पे जो आपने क्लिक करना था उससे पहले। यहाँ और किसी की भी स्क्रीन रुकी है? और किसी अब चल पड़ी? अच्छा आ रही है, ओके। तो आपका नेट का थोड़ा हो गया होगा ना। तो चलिए अब ऐसा है कि इसमें रिव्यू के अंदर मैं एक बार दिखा देता हूँ, रिव्यू के अंदर होता है ये आपका अलाउ यूजर टू एडिट रेंज। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, न्यू करता हूँ, न्यू में मैं उसका नाम दे देता हूँ कि ये एम्प्लॉय के लिए, ईएमपी डाल देता हूँ, कुछ भी डाल देता हूँ। फिर इसकी रेंज क्या होगी जहाँ एम्प्लॉय एंटर करना चाहिए, वो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ कि एम्प्लॉय इतने में एंटर करना चाहिए, ठीक है जी। और इस पर पासवर्ड लगा देता हूँ ईएमपी, ठीक है जी। अब ये पासवर्ड लगा के रिटाइप करना, ठीक है जी। एम्प्लॉय के लिए ईएमपी पासवर्ड डाल दिया, फिर मैं एक न्यू रेंज बना रहा हूँ जिसमें एमजीआर टाइटल दे देता हूँ और इनकी जो रेंज सिलेक्ट कर लेता हूँ वो ये वाली है जो मैं कह रहा था कि उसमें एंट्री करेगा, और इसका पासवर्ड दे देता हूँ मैं एमजीआर, ठीक है, या कोई भी पासवर्ड दे देता हूँ। अब मैंने क्या करना है, जो मैंने पासवर्ड सेट किया है, एम्प्लॉय का एम्प्लॉय को बताना है, मैनेजर का मैनेजर को बताना है, और यहां से शीट करनी है प्रोटेक्ट, कोई भी अपना पासवर्ड डाल के और दे देनी है उनको, ठीक है जी। बाकी कहीं तो वैसे वो एंटर कर नहीं सकते, पर जब यहां आएंगे एम्प्लॉय तो पासवर्ड मांगेगा आपसे, इस पर लिखने की कोशिश करेंगे। तो अगर मैनेजर को एम्प्लॉय का पासवर्ड नहीं पता तो वो एंट्री कर नहीं सकता। एम्प्लॉय जिसको हमने पासवर्ड बताया उसने अपना पासवर्ड डाला ईएमपी, ओके, अब वो एंट्री कर सकता है। ठीक है, ये कर सकता है, पर ये मैनेजर में जाएगा लिखने कुछ भी तो मैनेजर वाली सेल भी पासवर्ड मांगेगी। तो इस जगह मैनेजर का पासवर्ड मैनेजर को पता है, वो अपना डालेगा, एमजीआर डाल दिया उसने, और वो तब अपनी एंट्री कर सकता है, ठीक है जी। अप्रूव, रिजेक्ट, ठीक है, ये दोनों अपनी अपनी एंट्री कर सकते हैं, ठीक है सर। तो ये एक मोड ये हो गया हमारा। तो ये था अपना शीट प्रोटेक्शन कि हम शीट में और यूजर रेंज में कैसे कर सकते हैं। एक और चीज होती है इसमें कि आपने यहां पे देखा होगा लॉग्ड के साथ साथ हिडन भी है, ठीक है जी। हिडन कब यूज होता है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्या किया,
यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाया मैंने, यही नहीं कोई अच्छा फॉर्मूला लगा दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बड़ी मुश्किल से बना है। मैं ये चाहता हूं कि जिसको मैं शीट भेजू वो मेरा फॉर्मूला ना देख पाए, रिजल्ट देख पाए पर फॉर्मूला ना देख पाए। उस केस में मैं क्या करूंगा, यहां से हिडन कर दूंगा, यहां से हिडन पे क्लिक कर दूंगा, लॉग्ड अनलॉग से कोई मतलब नहीं, हिडन पे क्लिक कर दूंगा। तो जब मैं ये शीट प्रोटेक्ट करूंगा तो क्या होगा, हालांकि अभी ये सारा सिलेक्ट भी नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने उसमें किया नहीं था, प्रोटेक्ट शीट में जाते हुए सिलेक्ट लॉग सेल भी सिलेक्ट कर दे। तो अब मैं जाऊंगा देखूंगा सबकी वैल्यू दिखा रहा है, यहां पे आपको कुछ नहीं दिखा रहा है क्योंकि आप फॉर्मूला था और यहां आप कुछ कर नहीं सकते क्योंकि हिडन था। ठीक है जी, वैल्यू दिखा रहा है पर रिजल्ट नहीं दिखा रहा, ठीक है सर, ये होता है हिडन का फीचर। तो जितना भी मैंने शीट प्रोटेक्शन के बारे में बताया, आप अलग अलग शीट इससे प्रोटेक्ट कर सकते हैं और अलग अलग यूजर वाइज कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, 10 शीटें हैं तो 10 शीटों पे अलग अलग आपको प्रोटेक्शन लगानी पड़ेगी, जिस शीट पर प्रोटेक्शन लगी है खाली वो उसी के लिए एप्लीकेबल है, इसी के लिए डिसेबल है। आप देखें अगर अगली पे इस पे करना हो, इस पे भी प्रोटेक्शन है, इस पे नहीं है, इस पे तो आप सब कुछ कर सकते हैं, इंसर्ट डिलीट सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेवल है इसमें वर्कबुक प्रोटेक्शन, ये था शीट प्रोटेक्शन, नेक्स्ट लेवल है प्रोटेक्ट वर्कबुक। ठीक है, यहां आ रहा है तो प्रोटेक्ट वर्कबुक पे क्लिक करेंगे हम। प्रोटेक्ट वर्कबुक में जो ऑप्शन आता है वो आता है स्ट्रक्चर और विंडोज। अगर आप स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट कर देते हैं तो क्या आता है, आप शीट जो है इंसर्ट नहीं कर सकते, कोई भी डिलीट नहीं कर सकते, उनका कलर नहीं चेंज कर सकते, उनका हाइड अनहाइड नहीं कर सकते। तो ये पूरी वर्कबुक पे आपके लग जाता है। वर्कबुक क्या होती है, जैसे ये फुल, ये बुक वन हो गई, न्यू कर लेता हूं, ये बुक टू हो गई, तो इनको वर्कबुक बोलते हैं जिसके अंदर शीटें होती हैं, शीट्स होती हैं। ठीक है जी, तो वर्कबुक प्रोटेक्ट हो जाती है। अभी देखा आपने वर्कबुक, अभी हमने स्ट्रक्चर को प्रोटेक्टेड किया। प्रोटेक्ट वर्कबुक में क्या होता है, इसमें ये विंडोज में, विंडोज को जब पासवर्ड भी दे सकते हैं चाहे तो, विंडोज को जब प्रोटेक्ट करते हैं तो क्या होता है, यहां से जो मिनिमाइज करके मैंने आपको वर्कबुक दिखाई थी वो बटन गायब हो जाता है। मतलब एक्सेल एप्लीकेशन में केवल यही पेज खुलेगा, इसके अलावा दूसरी जो है वो शीट नहीं खुलेगी। ठीक है जी, इस तरह से अलग अलग जरूर आएंगी पर आप एक एप्लीकेशन में उसको यूज नहीं कर सकते, मतलब इसको कास्केड स्टाइल शीट वगैरह जैसे हम कर देते हैं वो सब नहीं कर सकते। अनप्रोटेक्ट कर दिया मैंने इनको, इसी पे क्लिक करेंगे तो अनप्रोटेक्ट हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ दो वर्कशीट दिखेंगे। ठीक है जी, तो स्ट्रक्चर विंडोज प्रोटेक्शन ऐसे होता है, वर्कबुक में विंडोज प्रोटेक्शन। ठीक है जी, इसमें आप इंसर्ट अपडेट डिलीट शीट नहीं कर सकते। आप देखेंगे कि जैसे आगे वाली शीट्स थी यहाँ पे, शीट तो इंसर्ट कर ही सकते हैं प्रोटेक्शन के बावजूद। ठीक है जी, वर्कबुक जो प्रोटेक्ट करते हैं तो आप शीट इंसर्ट डिलीट नहीं कर सकते। नेक्स्ट में ये ऑप्शन चाहता हूं कि जब मैं इस मतलब जब तक पासवर्ड डालूं ना, कुछ दिखे भी ना। अभी क्या है कि अभी ये दिख तो रही है फाइल, इसको सेव कर दे, इसको सेव करके दोबारा खोलूंगा तब भी दिखेगी। कुछ रिस्ट्रिक्शन है कि मैं लिख नहीं सकता, मैं चाहता हूं कि फाइल खुले ही ना विदाउट पासवर्ड। मैं क्या करूंगा, फाइल को सेव करते टाइम क्या लगा दूंगा, यहाँ पे टूल्स है मेरा। ठीक है जी, टूल्स में मैं सिलेक्ट करूंगा यहाँ जनरल ऑप्शन और यहाँ पे दो पासवर्ड लगा सकता हूँ, पासवर्ड टू ओपन, पासवर्ड टू मॉडिफाई। मतलब एक पासवर्ड की आपको फाइल खोल के देखने के लिए, एक पासवर्ड तब कि आप फाइल में कुछ चेंज करना चाहते हैं तो, नहीं तो रीड ओनली मोड में खुलेगी। तो मैं खाली ऊपर वाले में देता हूँ पासवर्ड टू ओपन, 1 2। ठीक है जी,
ओके कर दिया मैंने, रिपीट पासवर्ड, और इसको मैंने बुक वन से सेव कर दिया डेस्कटॉप पे। अब मैं फाइल को क्लोज कर देता हूँ, और जब इसको मैं ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये मेरे से पासवर्ड मांग रहा है। हेलो, ये मेरे से पासवर्ड मांग रहा है, तो मेरे को पासवर्ड देना पड़ेगा, विदाउट उसके ये फाइल खोलेगा ही नहीं। ठीक है, अब हो चुकी है फाइल सेव, और मुझे चेंज करना है पासवर्ड, तो अब कैसे करूंगा, क्योंकि तो वो सेव एज के ऑप्शन में था। ठीक है जी, यहां से मैं सेव एज के ऑप्शन में गया था तब आया था मेरे सामने। अगर आप सेव एज करूंगा तो दूसरी फाइल बन जाएगी अलग पासवर्ड से, मैं चाहता इसी फाइल में चेंज करना है, कैसे करूंगा, ऑफिस बटन पे जाऊंगा, प्रिपेयर में जाऊंगा, और ये एनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट, एनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट में ये मेरा ऑप्शन खुल गया। यहां जो पहला पासवर्ड पड़ा है उसको हटा दीजिए, मैं करता हूँ 1 2 3 4, अब नया पासवर्ड दे दिया, ओके कर दिया, दोबारा पासवर्ड डालना है 1 2 3 4, ओके बंद कर देता हूँ सेव करके। तो मेरा पासवर्ड चेंज हो गया, अब ओपन करूंगा तो नया पासवर्ड मांगेगा 1 2 3 4, अब खुल गया मेरा, तो पासवर्ड चेंज हो गया। हटाना है तो वही प्रिपेयर में जाके एनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट में बस इसको डिलीट कर दीजिए। ठीक है जी, ओके कर दीजिए, अब इसको सेव कर देता हूं, तो इसको बड़े आराम से मैं खोल सकता हूं। ठीक है जी, तो ये है आपका प्रोटेक्शन के बारे में सब कुछ। ठीक है जी, इसमें जितने भी प्रोटेक्शन के मेथड है वो इसी तरह से चलते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आज की क्लास ज्यादा लंबी नहीं है, इतनी ही है, बट पावरफुल है, इसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए। मैं चाहूंगा बाकी टाइम आप इसको प्रैक्टिस करके देखें, क्योंकि इसको भूलने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। ठीक है जी, नेक्स्ट टॉपिक कंडीशनल फॉर्मेटिंग होगा, जिसको हम मंडे से करेंगे, बाकी अब 3 दिन की दिवाली के लिए छुट्टी रहेगी। ठीक है जी, नेक्स्ट मंडे हम लोग फिर से मिलेंगे। तो सर ये फाइल जो है, ये वीडियो आज अपलोड हो जाएगी? हाँ, ये मैं नहीं, आज तो नहीं होगी, कल सुबह तक होगी। और चलें ठीक है, कर दीजिएगा ताकि, और चलें ताकि फिर मिल जाए कल सुबह तक या कल शाम तक। हाँ, इस वर्कशीट की तो किसी को जरूरत नहीं होगी आई थिंक। अब कहे तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि मैंने क्या क्या पढ़ाया है, ताकि आपको याद रहे। ठीक है जी, फर्स्ट मैंने एक चीज बताई कि जो हमने हमारी जो सेल्स है दो पार्ट में होती है, जिसको हम फॉर्मेट सेल से कंट्रोल करते हैं। ठीक है जी, फॉर्मेट सेल से कंट्रोल करते हैं यहाँ से, जिसमें प्रोटेक्शन, इसमें लॉक्ड और अनलॉक्ड होते हैं, जिस कारण हमारी दो तरह की शीट बन, दो तरह की सेल बन जाती है, लॉक सेल अनलॉक सेल। ठीक है जी, तो जो लॉक्ड सेल होती हैं उनको, जो हमारा कंट्रोल जो होता है प्रोटेक्ट शीट के दौरान, वो प्रोटेक्शन के बाद अप्लाई होता है, लॉक्ड अनलॉक कुछ भी मतलब काम जो है उनका। और ये हमारे पास एक्सेप्शंस हैं कि क्या करवाना है आपको प्रोटेक्शन के दौरान। अगर आप लॉग सेल सिलेक्ट नहीं करवाना चाहते तो अनचेक कर सकते हैं। ठीक है जी, सेकंड चीज मैंने बताई यूजर लेवल प्रोटेक्शन के लिए, जिसमें आप ये इसको सिलेक्ट करके, एम्प्लॉय मैनेजर का एग्जांपल था, जिसमें एम्प्लॉय के लिए अलग पासवर्ड लगा दिया, मैनेजर के लिए अलग पासवर्ड लगा दिया, इन सेल की रेंज जो थी मैंने अलग अलग सेट की, अलाउ यूजर टू एडिट रेंज, इनमें मैंने दो रेंज बनाई, एम्प्लॉय और मैनेजर, और डिफरेंट डिफरेंट पासवर्ड दिया, जिसमें मैंने एम्प्लॉय का पासवर्ड एम्प्लॉय को दे दिया, मैनेजर का मैनेजर को। अब दोनों के पास अपना अपना पासवर्ड है, तो वो विदाउट पासवर्ड डाले अपना यहाँ पे एंट्री नहीं कर सकते। ठीक है, तीसरी चीज बताई मैंने प्रोटेक्ट वर्कबुक के बारे में। वर्कबुक में क्या होता है कि आप इसमें शीट इंसर्ट, क्या है कि शीट प्रोटेक्शन जो होती है वो एक शीट पे होती है, पर जब आप होल वर्कबुक प्रोटेक्ट करते हैं तो सारी के सारी वर्कबुक प्रोटेक्ट हो जाती है। उसमें दो मोड है, स्ट्रक्चर और विंडोज, स्ट्रक्चर और विंडोज। ठीक है जी, स्ट्रक्चर में क्या होता है कि आप इसमें इंसर्ट डिलीट हाइड अनहाइड कोई भी शीट नहीं कर सकते, वर्कबुक ऐसी की ऐसी रहेगी। विंडोज में क्या होता है, ये जो मिनिमाइज मैक्सिमाइज और क्लोज का बटन है वर्कबुक के लिए, वो डिसेबल हो जाता है।
ठीक है जी। तीसरी चीज मैं बताई कि किसी की फाइल को सेव करते समय आप एक पासवर्ड दे सकते हैं टूल में जाके, जनरल ऑप्शन में जाके, जिसमें आपके पास दो चीजें हैं, पासवर्ड टू ओपन और पासवर्ड टू मॉडिफाई, जो फाइल खुलने से पहले आपको पासवर्ड मांगेगा। और इसको अगर आप फाइल सेव कर चुके हैं तो आप प्रिपेयर में जाके एनक्रिप्टेड डॉक्यूमेंट के जरिए चेंज कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं पासवर्ड। हाँ, एक और चीज, पासवर्ड टू मॉडिफाई चेंज नहीं होता है, इसीलिए उसको तभी दें जब ज्यादा जरूरत हो, ठीक है, क्योंकि उसका कोई भी ऑप्शन इसमें अवेलेबल नहीं है। ठीक है सर, तो ये थी आज की समरी, जिसकी फाइल आपके, जिसकी वीडियो कल तक अपलोड हो जाएगी। आई थिंक इसमें वर्कशीट की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है जी।